हेलो एवरीवन, मैं शशि गौरव, आप सभी का निम ट्रेनर। आशा करते हैं आप सभी इस COVID-19 महामारी में सुरक्षित होंगे। आज मैं आप सभी के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है द बेसिक ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंजन। इसके बारे में जानेंगे, फॉरेस्ट ऑफ इंजन कैसे काम करता है, इनके टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे और इनके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। जब बात करेंगे हम बेसिक इंजन पार्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे मुख्यतः होते हैं इंजन ब्लॉक्स होते हैं, सिलेंडर होते हैं, पिस्टन होते हैं, पिस्टन रिंग्स होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करूंगा कि इंजन ब्लॉक क्या करता है। इंजन ब्लॉक को मुख्यतः अपन जो है कर सकते हैं, एक इंजन के ऊपर कवर किया जाता है, जिससे इसके अंदर आप देख रहे होंगे बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, छोटे ब्लॉक्स होंगे, कोई बड़े ब्लॉक। जो बड़ी वाली ब्लॉक्स होती है ना, ये हमेशा सिलेंडर को शो करता है। सिलेंडर सिलेंडर मतलब क्या होता है, खाली जगह। कहीं भी अगर खाली जगह होती है, अपन घर में भी देखते हैं जो गैस गैस सिलेंडर होता है वो खाली जगह होती है, जो भी खाली जगह होती है उसको अपन सिलेंडर से डिनोट किया जाता है। ये जो सिलेंडर होते हैं ना, इसमें क्या होता है, पिस्टन अप डाउन मोशन में होते हैं। तो अभी बारी बारी से अपन जानने की कोशिश करेंगे कौन से आइटम्स क्या होता है। अब बात करेंगे जब पिस्टन की, तो पिस्टन एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे सर्कुलर शेप में होती। इसके ऊपर क्या होता है, एक रिंग चढ़ाया हुआ होता है, जो प्रत्येक रिंग का अलग अलग काम होता है, जो लीकेज को रोकने में मदद करता है पिस्टन के ऊपर। इनमें बात जब करें मैं, मुख्यतः इसमें तीन चार प्रकार के, आजकल अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग प्रकार के रिंग आने लगे हैं। एक पहली रिंग होती है जो फर्स्ट कंप्रेशन रिंग ग्रुप होता है, फिर सेकंड कंप्रेशन रिंग ग्रुप होता है, फिर ऑयल कंट्रोल रिंग ग्रुप होते हैं। पिस्टन रिंग का जो मुख्यतः काम होता है ना, वो लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है। जब ये स्लाइडिंग मोशन में होती है ना, तो उस टाइम क्या होता है, कोई ऑयल लीकेज ना हो, अगर लीकेज होगी तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करेंगे यहाँ पे, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा एक नया टर्म्स आ रहा है, एस्कर्ट। एस्कर्ट का काम क्या होता है, एस्कर्ट जो होता है ना, एक पिस्टन के ऊपर एक कह सकते हैं एक लेयर होती है, एक परत होती है। ये क्या करता है, ये ना पिस्टन के मटेरियल को खराब होने से रोकने का काम करता है। जब ये अप डाउन मोशन में होती है, उस टाइम वहां पे क्या होता है कि फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे वियर एंड टियर हो सकता है, मतलब इनमें मटेरियल में कुछ खराबी आ सकती है। अगर मटेरियल में खराबी आ गई तो आपको भाई पिस्टन पूरा का पूरा बदलना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, कॉस्ट यहाँ बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक जो अलग से लेयर दिया गया था, ये लेयर करता है मुख्यतः क्या करता है, यहाँ पे मटेरियल को सेफ करता है। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो रिंग्स है वही रिंग है, फर्स्ट रिंग ग्रुप, सेकेंड रिंग ग्रुप, एक होता है ऑयल कंट्रोल रिंग ग्रुप। अब बताऊं कनेक्टिंग रॉड के बारे में। कनेक्टिंग रॉड, ये मटेरियल्स जो होते हैं वो एल्युमिनियम से रिलेटेड होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं। उसके बाद ये जो है ना, एक निचले वाला जो हिस्सा होता है वो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है। ये कनेक्टिंग रॉड जो है, मैं बात करूँ, आप देखे होंगे कि टेलर के पास जो वो सिलाई करने वाली मशीन होती है, उसमें देखते होंगे कि आप नीचे वाला जो उनका पहिया होता है वो सर्कुलर मोशन में होती है, बट वो जो सुई का नीडल जो होता है वो अप डाउन मोशन में होता है। तो ये कनेक्टिंग रॉड, एक हिस्सा इसका पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है और एक हिस्सा इसका क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है। बात करेंगे क्रैंक शाफ्ट के बारे में। मैं यहाँ पर आपको एक क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, एक क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट जनरली एक रॉड होती है, उस रॉड में क्या है, कनेक्टिंग रॉड के साथ पिस्टन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, एक दो तीन चार, चार पिस्टन लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, एक रॉड में चार पिस्टन अटैच्ड है, तो चार पिस्टन अटैच्ड है, इसको अपन कह सकते हैं ये चार सिलेंडर की है और ये सारे एक रॉड में है, तो ये सारे क्रैंक शाफ्ट हो गए। यहाँ पर मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा, ये सिंगल सिलेंडर का है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक कनेक्टिंग रॉड है, एक क्रैंक है और एक रॉड है बस, तो ये इसको अपन क्रैंक कहते हैं। अगर ये मल्टीपल आ जाए, जितनी नंबर्स ऑफ सिलेंडर बढ़ती जाएंगे उतने ये इसमें नंबर्स बढ़ते जाएंगे। अब बात करेंगे सिलेंडर हेड क्या होता है। सिलेंडर हेड, इसमें आप कह सकते हैं ना, इसमें एयर का मिक्सचर आने के, एयर फ्यूल का मिक्सचर आने के लिए, उसके बाद
जो भी एक जितने भी होते हैं ना, इनको कवर करने का ये इसमें काम करते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आप देख रहे होंगे, ये इसका टॉप व्यू है सिलेंडर हेड का, और ये बॉटम व्यू है। इनमें देख रहे होंगे आप इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, जो भी हो ये सारे इसके अंदर रहते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे सिलेंडर है जो है उसको असेंबल किया जा रहा है। बात करेंगे वाल्व्स, वाल्व्स क्या होता है। तो इंजन में मुख्यतः दो दो प्रकार के होते हैं वाल्व, एक होता है इनलेट वाल्व, एक होता है आउटलेट वाल्व, जिसको एग्जॉस्ट वाल्व के भी नाम जाना जाता है। इनलेट वाल्व क्या होता है, इसके थ्रू एयर फ्यूल का जो मिक्सर होता है वो इंजन के अंदर अपन इनलेट करवाते हैं, और आउटलेट वाल्व जो होता है इसके थ्रू क्या करते हैं कि जो भी आफ्टर कम्बसन जो भी अनबर्न फ्यूल होते हैं या स्मोक बनता है वहां पे, वो क्या होता है इसके थ्रू बाहर करने का काम करते हैं। आजकल की गाड़ियों में किसी किसी में मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पे दो दो इनलेट वाल्व होते हैं, दो दो आउटलेट वाल्व भी दे दिया जाता है। कैमशाफ्ट, कैमशाफ्ट सेम एज ए टीच, कैमशाफ्ट जो होते हैं इसके साथ अपन क्या करते हैं कि कौन से वाल्व को कितना देर खोलना है, कौन से वाल्व को कब बंद करना है, कितने देर तक रहना है, तो ये सारे कंट्रोल कैमशाफ्ट के थ्रू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि इंजन जो है सिलेंडर हेड के अंदर कैसे कैमशाफ्ट का असेंबल किया जा रहा है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और यहाँ पे फाइनल डायग्राम जो है यहाँ पे लोकेटेड ओवर द हेड है। अब एक बात करेंगे टाइमिंग चेन क्या होता है। टाइमिंग चेन, टाइमिंग चेन मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे होंगे ये क्या है, कैमशाफ्ट, कैमशाफ्ट के साथ क्या है और नीचे है क्या सिलेंडर, सॉरी कनेक्टिंग रॉड। तो यहाँ पे जो ये वाली गियर है ना, इसके साथ क्या होता है एक चेन के साथ कनेक्शन इसके साथ होता है, और यहाँ पे क्या होता है ये ना कैमशाफ्ट के थ्रू ही अपन क्या डिसाइड करते हैं कौन से वाल्व को ओपन करना है, कौन से वाल्व को क्लोज करना है। इसके थ्रू क्या होता है कि अपन चाहेंगे कि कौन से मतलब सिलेंडर में सॉरी कौन से सिलेंडर में कंबसन हो, कौन से सिलेंडर में एग्जॉस्ट हो, कौन से में इनलेट हो, ये सारा अपन टाइमिंग चेन के थ्रू करते हैं। फ्लाईव्हील क्या होता है, फ्लाईव्हील जो होता है ना, फ्लाईव्हील क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच होता है। जो भी इनिशियल पावर आता है वो पहले क्रैंक शाफ्ट सॉरी फ्लाईव्हील पे आता है। फ्लाईव्हील के बाद क्या करते हैं अपन, इसके बाद जो पावर सप्लाई करते हैं गियर पे, क्लच पे। तो एक कह सकते हैं फ्लाईव्हील क्या होता है, फ्लाईव्हील मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। फ्लाईव्हील ये जो क्रैंक शाफ्ट होती है ना, इसके साथ एक सर्कुलर प्लेट टाइप की होती है फ्लाईव्हील। वो क्या करता है जो भी यहाँ से पावर, इनिशियल पावर क्या होता है सारा यहाँ फ्लाईव्हील पे आता है। जब फ्लाईव्हील पे आएगा फिर इसके बाद क्या करते हैं क्लच, क्लच पे भेजते हैं, फिर गियर पे भेजते हैं, इस तरीके से पावर का ट्रांसमिशन होते रहता है। फ्लाईव्हील का एक मुख्य उपयोग मैं आपको बता दूं कि फ्लाईव्हील जो है ना एक रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करता है। अगर बाहर ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो इस टाइम ये मोशन कहता है कि जल्दी जल्दी करो आगे फ्लाईव्हील, अगर बाहर कम रिक्वायरमेंट है इधर पावर ज्यादा आ रही है तो उसको स्टोरी भी कर लेता है, फ्लाईव्हील अपने पास ही रख लेता है। अब बात करेंगे भाई बेसिक पार्ट्स के बारे में अपन तो जान गए, अब बात करेंगे टर्मिनोलॉजी क्या होता है। इंजन के कुछ मेन टॉपिक मैं यहाँ बना रखा जो आपको बताऊंगा। तो मुख्यतः बोर होते हैं, बॉटम डेड सेंटर होता है, कंबसन चेम्बर होता है, कंप्रेशन होते हैं, तो इसके बारे में अपन जानेंगे। बोर क्या होता है, जो भी सिलेंडर है ना, मैंने क्या बताया था, जो खाली जगह होती है इंजन में, जो भी खाली जगह होती है वो सिलेंडर होता है। तो जो उसकी डिस्टेंस होती है ना, सिलेंडर की डिस्टेंस, जो सिलेंडर की डिस्टेंस होती है वो क्या होता है भाई, बोर होता है। बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, पिस्टन अपन जानते हैं कि भाई टीडीसी टू बीडीसी होता है बॉटम डेड। तो जो सबसे पिस्टन का जो सबसे निचले वाला हिस्सा होता है, जहां तक तो पिस्टन नीचे मूव करती है, वो हमारा बॉटम डेड सेंटर होता है। उसके बाद जो पिस्टन जो अप मोशन में होती है, उस जितना मैक्सिमम ऊपर तक जा सकता है, वो हमारा क्या होता है टॉप डेड सेंटर। कंप्रेशन क्या होता है भाई, जब बीडीसी से टीडीसी जाता है पोजिशन, तो उस टाइम हमारा क्या होता है कंप्रेशन होता है। तो ये मुख्यतः ये सब है टॉपिक। फिर बात करेंगे एक नया जो एक बहुत अच्छा टर्म है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, कोई कहता है ना भाई हमारा गाड़ी 4 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक है, तो इंजन में इसका मेन काम क्या होता है स्ट्रोक का। तो स्ट्रोक की जब बात करेंगे तो स्ट्रोक होता है मूवमेंट इन पिस्टन इज कॉल्ड स्ट्रोक। अपन जानते हैं कि भाई अगर पिस्टन में मूवमेंट हुआ तो हमारे लिए क्या होता है वो स्ट्रोक होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था टॉप डेड सेंटर की, जो पिस्टन की हाइट पोजीशन होती है ना, जो मैक्सिमम नंबर ऊपर जाता है, वो हमारे लिए क्या होता है टीडीसी होता है। 4 स्ट्रोक साइकिल में क्या होता है,
कि पिस्टन जो है ना मूवमेंट होता है वो इक्वल होता है और हमेशा वो एक साइकिल में चलता है। अब बात करेंगे बेसिक ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पे मुख्यतः तो होनी चाहिए आग लगने के लिए, आजकल की गाड़ियां क्या होती है भाई, आईसी इंजन होती है, जो इंटरनल कम्बसन होता है, इंटरनल कम्बसन, पहले होती थी एक्सटर्नल कम्बसन, इसलिए इनको आईसी इंजन। तो इसमें घबराना नहीं है कहीं भी कि आईसी इंजन, कोई क्वेश्चन आप पूछ देता व्हाट इज आईसी इंजन, तो इसमें नहीं, इंटरनल कम्बसन, जहाँ कम्बसन अंदर होती है वो हमारे लिए इंटरनल कम्बसन है। तो इनके लिए कम्बसन के लिए क्या क्या होने चाहिए, एयर चाहिए, फ्यूल चाहिए और इग्निशन चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा छोटे से डायग्राम के साथ शुरुआत करूंगा कि भाई ये होते क्या है। इंजन, जो इंजन होते हैं ना, इंजन को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया, एक टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक में। टू स्ट्रोक में पेट्रोल, पेट्रोल तो डीजल इंजन आए, फिर फोर स्ट्रोक में क्या क्या हो गया, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, सीएनजी, गैस, एलपीजी, उसके बाद आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिक कार भी आ रही है। तो फोर स्ट्रोक का मतलब क्या भाई, जब एक साइकिल में क्या होना चाहिए, चार बार स्ट्रोक होना चाहिए। स्ट्रोक मतलब क्या, पिस्टन की मूवमेंट चार बार होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपको यहाँ पे समझाऊंगा। यहाँ पे देख लेंगे क्या है, एक मैं फिगर में आपको मेंशन करना चाहूंगा, ये क्या है, इंटेक वाल्व है। यहाँ पे क्या है, एक एग्जॉस्ट वाल्व है। इंटेक वाल्व के थ्रू क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पे आएगा, और एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है ना, पहले क्या, अभी के गाड़ियों में तो एफआई सिस्टम है, पहले क्या होता था, कार्ब्यूरेटर के थ्रू, कार्ब्यूरेटर से क्या होता था, कार्ब्यूरेटर के थ्रू एयर फ्यूल का मिक्सचर इंटेक वाल्व के थ्रू यहाँ पे अंदर आता था। मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूं क्या क्या होती है, ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग क्या करता है, इग्निशन का काम करता है, और ये एग्जॉस्ट वाल्व है, जो भी यहाँ पे स्मोक बनेगी वो इसके थ्रू बाहर आ जाता है। मैं वही बताना चाहूंगा, ये देख रहे हैं आप, मैं दिखा रहा हूँ मैं टॉप डेड सेंटर टीडीसी क्या होता है, आप देख रहे होंगे जो मैक्सिमम है ना पिस्टन यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ तक पिस्टन आएगी तो ये हमारा टॉप डेड हो गया, और यहाँ पिस्टन नीचे की जो नीचे आएगी यहाँ तक आएगी तो ये हमारा बॉटम डेड सेंटर होता है। तो यही जो टीडीसी टू बीडीसी है ना, यही हमारे लिए भाई स्ट्रोक होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे खाली चीज था, खाली सिलेंडर था, सिलेंडर है तो भाई खाली है, सिलेंडर के अंदर क्या है, एक पिस्टन है, फिर उसमें आप देख रहे होंगे एक तीन लाइन है, वो पिस्टन रिंग है, उसके साथ ये दिखा रहा हूँ मैं कनेक्टिंग रॉड है, और ये क्या है, क्रैंक है। तो अब मैं यहाँ बताऊंगा भाई फोर स्ट्रोक इंजन, मान लो सपोज दैट क्या है हमारा, ये पेट्रोल इंजन है, फोर स्ट्रोक का पेट्रोल इंजन है, तो भाई क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जब यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है ना, एयर फ्यूल का जब मिक्सचर आएगा, जैसे यहाँ पे अंदर इनलेट करवाते हैं, उस टाइम क्या होगी, पिस्टन जो टीडीसी पोजीशन था वो हमारा क्या आ गया भाई, बीडीसी पोजीशन पे आ गया। मतलब अगर पिस्टन में मूवमेंट हुई तो भाई हमारे लिए क्या है, स्ट्रोक है, हमारे लिए क्या है, वो स्ट्रोक है। हमारा क्या हो गया, पिस्टन जो टीडीसी पोजीशन पे था वो बीडीसी पोजीशन पे आ गया, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये इनटेक स्ट्रोक हो गया। अब ये क्या हो गया, हमारे लिए इनटेक स्ट्रोक हो गया। दूसरा बात करेंगे क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक क्या आता है, जब पिस्टन, फिर इसकी बनावट ऐसी होती नहीं, ये ऊपर की ओर जाएगी, जो भी यहाँ पे हमारा फ्यूल आया था, जो भी हमारा फ्यूल हुआ था वो क्या हुआ, यहाँ पे कंप्रेस हुआ। पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी गए तो ये कंप्रेस हुआ, मतलब फ्यूल गर्म हो गया, मतलब फ्यूल काफी ज्यादा गर्म होने के बाद वहां पे क्या क्या है, स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग क्या करता है, इग्निशन का काम, थोड़ी सी चिंगारी दे दिया, जैसे ही चिंगारी मिली, जैसे यहाँ पे आपको चिंगारी दिखाऊंगा तो वो क्या हुआ, दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ चिंगारी मिली, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगी। जैसे ही ब्लास्ट होगी ये क्या हो जाएगा, एक पावर स्ट्रोक हो जाएगा भाई, ये तीन स्ट्रोक हमारा हो गया, क्योंकि इसमें आग लगने की वजह से ये पिस्टन को क्या होगा, जोर से नीचे की ओर धकेलेगा। जैसे ही नीचे की ओर धकेलेगा ये हमारे लिए क्या हो गया भाई, एक पावर स्ट्रोक हो गया। जब यहाँ पे आग लग जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो भी सारा फ्यूल था वो सारा क्या हो गया, जल गया, और जलने के बाद फ्यूल जलेगी तो वहां पे धुआं बचेगा, वो हमारा क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये मुख्यतः हमारा सर्किल था, कि जो पिस्टन का सर्किल होता है, पहले इंटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक टेबल बना रखा हूँ, जो उस टाइम पिस्टन की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए, इंटेक वाल्व क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टली, टाइम ओवर हो रहा था, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। जब पिस्टन की डायरेक्शन क्या होगी, जब इंटेक होगा तो भाई उस टाइम डाउन होगा, अपन जानते ही हैं, इंटेक में पिस्टन की पोजीशन टीडीसी टू बीडीसी आएगी, फिर कंप्रेशन होगा तो बीडीसी टू टीडीसी जाएगी, इसलिए अप है, फिर पावर होगा तो फिर टीडीसी टू बीडीसी आएगी, उस टाइम डाउन है, फिर एग्जॉस्ट होगा तो भाई अप होगा, क्योंकि बीडीसी टू टीडीसी जाते। इंटेक वाल्व क्या है, इंटेक में ओपन होगा तभी तो भाई एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा,
जब कंप्रेशन होगा तो उस टाइम क्लोज हो जाएगा, पावर भी होगा तो उस टाइम क्लोज हो जाएगा, एग्जॉस्ट में भी उस टाइम क्लोज हो जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाएगा, सेम वही एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, कहीं भी जरूरत नहीं है, बस इसको गैस निकालने के लिए जरूरत होता है इसलिए एग्जॉस्ट में ओपन रहेगा। मिक्सचर एक्शन क्या होगा,